झारखंड में पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। झारखंड के तीन अलग अलग शहरों से तीन बड़े नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। कहां कहां से नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, गुनाह की इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने कमर कस ली है। नक्सलियां पुलिस के सामने बौने साबित हो रहे हैं। झारखंड में पलामू, खूंटी और लातेहार में पुलिस ने कई इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पलामू से जहां 10 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं खूंटी से भी PLFI उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। साथ ही लातेहार से भी JJMP के एरिया कमांडर को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। दस लाख का माओवादी राम सुंदर गिरफ्तार। 20 कांडों में वांछित रह चुका है नक्सली। राम सुंदर को उसके घर से ही किया गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने 10 लाख के इनामी माओवादी राम सुंदर राम उर्फ आलोक जी उर्फ वजन जी उर्फ मक्खन जी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार इनामी नक्सली करीब 20 कांडों में वांछित अभियुक्त रह चुका है। माओवादी राम सुंदर को उसके घर नगर उटारी के जोगा गांव से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी में साल 1988 में शामिल हुआ था और तभी से सक्रिय है। ये बिहार झारखंड की स्पेशल एरिया कमेटी का सदस्य भी रह चुका है और अलग अलग क्षेत्रों में एरिया कमांडर और जोनल कमांडर के पद पर भी रह चुका है। इनके बारे में हम लोग को मालूम पड़ रहा था कि ये जोगा गांव में रह रहे हैं और 2008 में इनकी पहले गिरफ्तारी हुई थी, 2011 में फिर इनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद से जब हम लोगों ने अभी आपने देखा होगा कि सभी का जो ये एक रिवॉर्ड लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की है, उसमें इनके 75 नंबर के सीरियल नंबर पर इनको रिवॉर्डेड है ये 10 लाख के इनाम। तो जब इसकी सूचना मुझे मिली तो मैंने एक छोटी सी टीम का गठन किया, सत्यापन किया कि वास्तव में इनका रिवॉर्ड है कि नहीं, आज इन पर कितने केसेस पेंडिंग हैं, कोई केस में वांटेड है कि नहीं। तो हम लोग को ये मालूम पड़ा कि ये केसेस में इनका बेल 4-5 केसेस में बेल टूटी हुई है ये जब। और फिर हम लोगों ने इनको अल्टीमेटली कल शाम को ऑफिशियली पलामू के साथ साथ खूंटी से भी PLFI नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार उग्रवादी 6 कांडों में वांछित रह चुका है। PLFI का नक्सली पारस गोप उर्फ बीरबल गोप गिरफ्तार। PLFI के सरगना दिनेश गोप का है करीबी। कोटेन सेरा के जंगल से हुई गिरफ्तारी। खूंटी में पुलिस के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के सरगना दिनेश गोप के करीबी पारस गोप उर्फ बीरबल गोप को गिरफ्तार किया गया है। रनिया थाना क्षेत्र के कोटेंग सेरा जंगल से पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर उसे पकड़ा। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार पारस गोप उर्फ बीरबल खूंटी और रांची के अलग अलग थाना इलाकों में हुए 6 उग्रवादी कांडों में वांछित था, जिसमें मुख्य घटना कर्रा प्रखंड कार्यालय परिसर में रखे 2 JCB मशीन को साल 2007 में जलाए जाने को लेकर। पहले भी वो पूर्व एरिया कमांडर राजकमल गोप का साथी था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद वो सरगना दिनेश गोप के साथ रहने लगा। पुलिस को सूचना मिली थी कि दिनेश गोप के टीम का सक्रिय सदस्य पारस गोप उर्फ बिरबल गोप रनिया के कोटांगेरे क्षेत्र में भ्रमणशील है। इस सूचना पर रनिया थाना एवं 94 बटालियन CRPF कैंप रनिया की एक संयुक्त टीम, एक छोटी टीम उसको पकड़ने के लिए छापामारी करने के लिए गई और अहले सुबह पारस गोप उर्फ बिरबल को गिरफ्तार किया गया है।
यह उग्रवादी 50,000 का इनामी है और कर्रा के 2 कांड और लापुंग के 4 कांड में वांछित है। कहाँ से गिरफ्तार हुई? इसकी गिरफ्तारी कोटांगेर के जंगल से हुई है। इसने बताया कि ये 2007 में ही PLFI में शामिल हुआ था। पहले यह राजकमल गोप के साथ काम करता था। राजकमल गोप के जेल जाने के बाद वह PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप के साथ ही उसके टीम में सक्रिय सदस्य था। नक्सलियों की इन 2 गिरफ्तारियों के बाद तीसरी गिरफ्तारी लातेहार से हुई, जहां पुलिस ने JJMP के एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया। लातेहार से JJMP का एरिया कमांडर गिरफ्तार, कई मामलों में वांछित है जोहन सिंह। लातेहार SP धनंजय सिंह को मिली गुप्त सूचना पर लातेहार SDPO पीयूष पांडे के नेतृत्व में लातेहार पुलिस ने छापेमारी कर JJMP के एरिया कमांडर जोहन सिंह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली को उसके पैतृक गांव बिनगादा से गिरफ्तार किया गया है। यह JJMP के पप्पू लोहार उर्फ सूरदेव लोहार की टीम में सक्रिय हथियारबंद सदस्य है। गिरफ्तार नक्सली लातेहार और मनका थाना में आतंक का पर्याय बना हुआ था, जो पुलिस टीम के लिए सिरदर्द बन गया था। ये मार्च 2016 में मंजर में पुलिस टीम पर की गई फायरिंग में मुख्य रूप में शामिल था और इस कांड में भी गिरफ्तार नक्सली जोहन फर को गिरफ्तार किया गया। उसके गांव बिनगाड़ा से लातेहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बेसिकली मार्च 2016 में पुलिस टीम पे जो फायरिंग हुई थी उसमें ये शामिल था। JJMP के ग्रुप पप्पू लोहरा के साथ ये रहता है और उस ग्रुप का एक एक्टिव मेंबर है। इसके अलावा फरवरी 2017 में जो रिचू भुट्टा में जो JCB के साथ तोड़फोड़ और कुछ मजदूरों के साथ जो मारपीट की गई थी उसमें भी इसका हाथ था। इसके अलावा भी कई लातेहार थाने में कई कांडों में वांछित है, तो ये पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है JJMP का एरिया कमांडर। गुना के लिए पलामू से राजीव रंजन, खूटी से अरविंद सिंह और लातेहार से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।